हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स लेकर आए हूँ आपकी GTA San Andreas गेम के लिए। एंड इसे इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी गेम के ग्राफिक्स है वो काफ़ी कमाल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल में लिखा है ग्राफिक्स लाइक GTA 5। तो यहाँ पे आपके 100% तो ग्राफिक बिल्कुल GTA 5 की तरह नहीं हो जाएंगे, बट जो नॉर्मली जो GTA San Andreas गेम है उससे कई गुना अच्छे आपके ग्राफिक्स हो जाएंगे। एंड जब आप साइड बाई साइड रख के कंपेयर करोगे तो आपको नतीजा खुद ही देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो क्लाउड्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक क्लाउड्स देखने को मिलेंगे जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो। एंड वेदर के हिसाब से क्लाउड्स है ना, ये भी मतलब चेंज होंगे। कभी बिल्कुल क्लियर मौसम होगा तो आपको क्लाउड्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इनके साथ जब आंधी का मौसम आता है तो इसमें क्लाउड्स काफ़ी तेज तेज के आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। एंड अगर आप GTA San Andreas गेम खेलते हो तो आपको पता ही है गेम के अंदर वेदर चेंज होते रहता है। और इसके साथ मैं आपको एक क्लू स्क्रिप्ट दूंगा जिससे आप मैनुअल तरीके से अपने ड्रो डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। एंड इससे जो आपके गेम के जो विजुअल होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में, जैसा कि अभी मैं आपको आगे गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, बस आप वीडियो पूरी देखिए, ठीक है, स्किप मत करना। एंड मैं आपको बता दूँ, इसमें बिल्कुल भी बग नहीं है। आप बेझिझक होकर इन्हें इंस्टॉल करो, 1% बग नहीं है गाइस। आपकी गेम में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, बिल्कुल मस्त आपकी गेम चलेगी। आप मिशन भी कंप्लीट कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी कंपेयर दिखा देता हूँ कि इसी ग्राफिक्स को इंस्टॉल करने के बाद कैसा इफेक्ट होता है एंड बिना इंस्टॉल करे कैसा इफेक्ट होता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को साइड बाई साइड रखते हैं ना, तब हमें चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पुराने ग्राफिक्स कितने मतलब ख़राब है, कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कार्टून जैसा और लगता है। बट जब आप इन ग्राफिक को इंस्टॉल करोगे तो आपकी गेम कितनी बढ़िया लगेगी, ये आप खुद ही अभी लाइव देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करने से आपको अब समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक्स कितने चेंज हो जाते हैं। तो गाइस, आपको तो पता है जो आपकी स्क्रीन होती है वो नंबरों के अंदर डिवाइड होती है क्लू पीके के अंदर। एंड जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ड्रो डिस्टेंस वाली क्लू स्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसको सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो चुकी है। एंड सिंपली आप इधर क्लिक करके और इधर क्लिक करके अप डाउन करके मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल ड्रो डिस्टेंस, तो अगर आप इस पर सेट करते हैं तो जो आपके मतलब विजुअल डिस्टेंस है वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है, जैसा होता है। एंड इसके साथ जब आप इसे 4x ड्रो डिस्टेंस पे सेट कर देते हो तो देखिए आपको कुछ ग्राफिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे। एंड सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको इस वाले नंबर पर यानी कि यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 6x ड्रो डिस्टेंस पे क्लिक कर लिया। एंड जो मेरा विजुअल इफेक्ट है वो देखिए कितना कमाल का होते जा रहा है। तो ऐसे कर करके जब मैं लास्ट वाले पे कर लूँगा यानी कि 10x ड्रो डिस्टेंस पे सेट कर लूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब विजुअल इफेक्ट है यानी कि जो मेरा ड्रो डिस्टेंस है वो कितनी दूर तक का हो गया, यानी कि मैं कितनी दूर तक का बिल्कुल क्लियर देख सकता हूँ। गाइस, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ, ये जो ड्रो डिस्टेंस है ना, ये आपको आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि मेरे पास रेडमी नोट 8 है एंड इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्रो डिस्टेंस है वो मैंने 10x पे सेट कर दिया है। एंड जो मेरी गेम है देखिए वो कितनी लैग हो रही है, मतलब ज़्यादा तो लैग नहीं हो रही बट नॉर्मली लैग हो रही है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर लगभग मेरे जैसा है तो सिंपली आप भी अपने ग्राफिक को यानी कि ड्रो डिस्टेंस को 4x पे ही सिलेक्ट करना, ठीक है। और अगर आप पे काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाले डिवाइस है तो ऐसे में भी मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे 6x या 8x से ज़्यादा मतलब आगे का सेट मत करना, क्योंकि अगर आप 10x ड्रो डिस्टेंस पे सेट करके खेलोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना 6x और 8x पे मज़ा आएगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना 4x पे ड्रो डिस्टेंस सेट कर लिया। एंड आप देख सकते हैं ग्राफिक काफ़ी कमाल के नज़र आ रहे हैं। एंड आप कंपेयर भी करके देख सकते हैं ओरिजिनल वाली GTA San Andreas के ग्राफिक से, वो ग्राफिक्स इतने कमाल के लगते भी नहीं है। एंड स्काई तो स्काई जैसा लगता भी नहीं है, बट आप ऐसे देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जो क्लाउड्स हैं यानी कि जो बादल है, ये मतलब वेदर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं जिससे गेम काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको ड्रो डिस्टेंस एक और बार फिर से सेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मतलब कंपैरिजन समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से इसको 4x पे सेट करेंगे, फिर इसके बाद 6x पे सेट करते हैं। एंड ऐसे करके लास्ट में मैंने ये 10x पे सेट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10x पे मतलब काफ़ी क्लियर हो जाता है, रियलिस्टिक नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपका हाई परफॉर्मेंस वाला भी डिवाइस है तो ऐसे में आप अपने ग्राफिक्स 6x या 8x पे सेट करो, ठीक है। और अगर आप पे लो परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है, आपकी गेम ज़्यादा लैग हो रही है, तो आप इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल ही मत करना, जैसे कि अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मली इसको इंस्टॉल करे बगैर भी ग्राफिक्स आपके काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं, बस जो मतलब विजुअल डिस्टेंस होता है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता।
तो एक बार मैं आपको वाटर के अंदर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स को इंस्टॉल करने के बाद वाटर के अंदर हमें मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल डार्क डार्क दिखाई देता है। बट इस ग्राफिक को इंस्टॉल करने के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप देख सकते हैं वाटर के अंदर भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो गाइस इतना गेम प्ले मेरे ख्याल से काफ़ी है, एंड मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया एंड गेम प्ले भी आपको अच्छे से दिखा दिया है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो ग्राफिक का मोड है एंड ये जो क्लियर स्क्रिप्ट है, ये मैंने डेवलप नहीं करी है, इन्हें बस मैंने इंटरनेट की मदद से खोजा है अच्छे से एंड इन सबको इंस्टॉल कराए एंड एक अच्छा सा पैकेज बना दिया है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपकी गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। एंड अभी आपने गेम प्ले देख ही लिया है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आपके पास क्लियो एपीके 2.0 वाला वर्जन होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, उस वीडियो को देखो और सबसे पहले आप क्लियो एपीके इंस्टॉल करो 2.0 वाला, ठीक है। एंड इसके बाद आपको जेड आर्काइवर डाउनलोड कर लेना है एंड फिर आपको TXT टूल भी डाउनलोड करना है, बट TXT टूल आप मेरा वाला ही इंस्टॉल करना है, जिसकी नीचे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई और सा वर्जन यूज़ करोगे तो मे भी हो सकता है ये चीज़ वर्क ना करे। और आखिरी में दोस्तों आपको ग्राफिक वाली जिप फाइल को भी डाउनलोड कर लेना है। तो ZiCover एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपने जाना है एंड्रॉइड, फिर जाना है OBB एंड यहाँ पे आपको com.rockstar वाला फोल्डर ढूंढ लेना है, ये वाला फोल्डर। इस पर क्लिक करके सिंपली फिर आपको यहाँ पे दो फाइल ऐसे देखने को मिलेंगी, तो नीचे वाली फाइल पे आपको करना है क्लिक एंड इसे करना है व्यू। व्यू पे क्लिक करने के बाद TXTB वाले फोल्डर पे करना है आपको क्लिक एंड यहाँ पे आपको TXD वाला फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है। तो सिंपली कॉपी करने के बाद आपको करना है क्या, इस डिवाइस मेमोरी पे करना है क्लिक एंड आपको फिर से चले जाना है अपने एंड्रॉइड एंड इस बार आपको अपने जाना है डाटा वाले फोल्डर में एंड यहाँ पर आपको अपना com.rockstar वाला फोल्डर फाइंड कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके आपको फिर फाइल्स वाले ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ऊपर प्लस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जिसका नाम होगा TXTB। तो सिंपली फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको यहीं पे कर देना है पेस्ट, ठीक है गाइस। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जो ये TXTB नाम है ना, इसमें गड़बड़ मत करना, ये आप TXTB लिखना अच्छे से, ठीक है। तो जो ग्राफिक्स वाली जिप फाइल है उसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको कर लेना है उसे एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट हेयर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड में सिंपली आपको लिखना है 5K स्पेस सब्सक्राइबर्स, ठीक है। बिल्कुल भी स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, आप ध्यान से देख लो, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है 5K स्पेस सब्सक्राइबर्स, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आप मेरे जल्दी से 5K सब्सक्राइबर्स करवा दो, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको तीन फोल्डर दिखेंगे, क्लियो डाटा अनकम्प्रेस्ड एंड आप चाहो तो इस जिप फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियो वाले फोल्डर को करो ओपन, यहाँ पर आपको दो फाइल्स देखने को मिलेंगी एंड इन दोनों को आपको एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है एंड इन्हें फिर लॉन्ग प्रेस करके आपको कॉपी या कट कर लो। तो इसके बाद सिंपली आपको जाना है अपने एंड्रॉइड डाटा, फिर यहाँ पर आपको अपने com.rockstar वाले फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे सिंपली आपको इधर ही कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट की मदद से आप अपने ड्रॉ डिस्टेंस को मैनुअली सेट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 4x, 6x, 8x और 10x, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली आपको इस डाटा वाले फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है या कट कर लेना है एंड फिर सिंपली जाना है एंड्रॉइड डाटा एंड फिर से com.rockstar वाला फोल्डर एंड यहाँ पर आपको यहाँ पे फाइल्स पे करना है क्लिक एंड इसे यहीं पे कर देना है पेस्ट। तो यहाँ पे फाइल हो चुकी है पेस्ट एंड गाइस TXT टूल को फिर कर लेना है आपको ओपन एंड यहाँ पे करना है क्लिक, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना फोल्डर फाइंड कर लेना है एंड्रॉइड डाटा एंड इसके बाद आपको com.rockstar वाला फोल्डर ढूंढना है, फिर सिंपली आप जाओ फाइल्स वाले फोल्डर में एंड फिर ये TXTB वाला फोल्डर, फिर TXT एंड यहाँ पे आपको कर देना है इसे मार्क, ठीक है। एंड फिर आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शंस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको करना है प्लस पे क्लिक एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम इमेजेस इस इमेज वाले ऑप्शंस पे करना है क्लिक, फिर यहाँ पर आपको अनकम्प्रेस 32 BPP पे करना है क्लिक, फिर इसके बाद आपको फोल्डर को कर लेना है फाइंड जहाँ पे आपने अपनी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रखा है एंड फिर ये जो अनकम्प्रेस्ड वाला फोल्डर है इस पर करो क्लिक एंड यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये इमेजेस देखने को मिल जाएंगी एंड इन दोनों इमेजेस को आपको बारी बारी कर लेना है सिलेक्ट एंड ऊपर इधर मार्क पे करना है आपको क्लिक एंड यहाँ पर आपको ओवरराइट पे कर देना है क्लिक एंड हर जगह से मार्क हटा लेना है, ठीक है। याद रहे कहीं पे भी मार्क नहीं लगा रहना चाहिए, सिर्फ ओवरराइट पे ही मार्क लगा रहना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली आपको कर देना है ओके। तो यहाँ पर मुश्किल से आपका 30 सेकेंड लगेगा एंड ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हो चुका इंस्टॉल। तो गाइस जैसे प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप अपने गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो आपको कर लेनी है। तो जैसे कि देखिए मैंने गेम स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में लोड करके ही गेम को स्टार्ट करना है, ओके। कोशिश करना कि आप रिज्यूम करके गेम स्टार्ट ना करो।
तो यहाँ पे आपको गेम की सेटिंग्स में आना है, फिर इसके बाद आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स में आना है एंड यहाँ पे जो आपका ब्राइटनेस लेवल है वो आपको 75 रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मेरा 77 है, आपको 75 रखना है, ठीक है, 80 से ज़्यादा मत रखना। और इसके साथ जो विजुअल इफेक्ट्स हैं इन्हें आप मैक्स हाई अपनी मतलब डिवाइस के परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड जो ड्रो डिस्टेंस है इन सभी को आप अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ब्राइटनेस पे ध्यान देना है, ठीक है, इसे आपको 75 या 80 से नीचे सेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।